अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर थर्ड ऑनलाइन लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज़ फ्रॉम चैप्टर 8। इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हाउ टू ड्रॉ वेक्टर्स और हाउ टू प्लॉट जीरोज एंड प्लॉट्स सो एंड जीरोज एंड पोल्स। ओके ओके इन दिस लेक्चर वी विल डिज़ाइन और वी विल स्केच द रूट लोकस फॉर द सिस्टम गिवननेस। नाउ लेट्स सॉल्व द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। ऑब्टेन रूट लोकस प्लॉट फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन। ओके हमारे पास जी ऑफ एस है के ओवर एस इंटू एस प्लस 2। वी हैव द सिस्टम इन विच वी हैव टू पोल्स, वन इज एट 0 एंड वन इज 8-2। के इज द गेन ऑफ द सिस्टम। ओके अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी और आप देखेंगे कि हम किस तरह से स्केच करते हैं रूट लोकस को। इसके लिए हमारे पास 6 से 7 स्टेप्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन में करना होंगे, ठीक है, और फिर हम जाके रूट लोकस को डिजाइन करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन लोकाई। इसको लोकी भी बोल जाते हैं लोग और लोकाई भी बोलते हैं, आई विल कॉल इट लोकाई, लोकस से लोकाई है, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स हियर टू पोल्स, वी हैव टू पोल, वन इज एट ओरिजिन एंड व्हाट इज वन इज एट -2। सो वी हैव टू पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितने हैं, 0, बिकॉज वी डोंट हैव एनी 0 हियर। ओके सो आपको सिंपलेस्ट जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको पोल्स देखने हैं कितने आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस चेक करने हैं कितने आपके पास, और उसके बाद आप चाहें तो पोल्स की और जीरोस की पोजीशन भी बता दें। जैसे इस जगह पे आप थर्ड लाइन में क्या लिखें, दैट वन पोल इज एट 0 एंड अदर इज एट -2, ठीक है। P1 कह लें, P2 कह लिया, P इज इक्वल टू 0, -2 करके बता दें कि हमारे पोल्स यहाँ पे और जीरोज यहाँ पे हैं। ओके नाउ मूविंग टूवर्ड स्टेप 2, स्टेप टू इज नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अभी देखें आपको कुछ भी नहीं पता एसिम्प्टोट्स एक्चुअली हैं क्या और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, हम किस तरह से स्केच करेंगे या इस इन नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। ओके व्हाट इज मैथमेटिकली नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोल्स एंड जीरोज, P-Z। पी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पोल्स, और जी क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। दिस इज इक्वल टू 2, पोल्स हमारे पास 2 हैं और जीरो हमारे पास 0 है, 2-0, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे पास 2 हैं। ओके अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, लेकिन जब आप हम एक दो सवाल कर लेंगे, जब स्केच कर लेंगे रूट लोकस को, आपको तब समझ आएगा एक्चुअली एसिम्प्टोट्स थे क्या, ठीक है। एसिम्प्टोट्स असल में हम क्या, आप ऐसे कह लें कि एसिम्प्टोट वो पाथ होगा, वो रास्ता होगा जब गेन को चेंज करने से या गेन के इनफाइनाइट होने पे हमारे पोल्स जिस रास्ते पर चल पड़ेंगे या जिस पे मूव करेंगे या जिस रूट को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। सो वो एसिम्प्टोट्स होंगी, वो ब्रांचेज हमारे पास। सो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपको कैलकुलेट कैसे करने हैं, पोल्स माइनस जीरोज विच इज इक्वल टू 2। This is also a simplest step. Now moving towards third step, angle of asymptotes. जो हम asymptotes हमारी हमारे पास होंगी वो इस asymptotes वो branches या वो roots या वो paths उन वो किस angle पे होंगी, ठीक है। So theta ये एक formula है, theta is equal to 2x+1 over P-Z pole -0 into 180. Okay? पोल भी आपको पता है 2 है, 0 आपको पता है ही नहीं, 180 सिंपल एंगल है। यहाँ पे एक चीज़ है सिर्फ x जो आपको नहीं पता। ओके x इज इक्वल टू मैंने लिखा है 0,1। आपको कैसे पता चलेगा x क्या है, जितने भी आपके नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होंगे अगर 2 हैं तो 0 से हम शुरू करेंगे हमेशा, 2 हैं तो 0,1। सपोज आपके नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स 3 होते तो हम क्या लिखते, 0,1,2 3 लिखते। अगर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपके पास 5 होते तो हम क्या लिखेंगे, 0,1,2,3,4, ठीक है। तो इसी एंड सो ऑन। सो हमारे पास नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स 2 हैं तो हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी 0 और 1। अगर हमारे पास x 2 है तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगल्स भी 2 आएंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ उनके एंगल्स आएंगे हमारे पास। सो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0
वन ओवर टू माइनस जीरो वन बाई टू इंटू एट 180 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम x को 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 बाय 2 इंटू 180, सो मेरा ख्याल है 270 एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वो एंगल्स हैं जो एसिम्प्टोट्स के लिए हैं, ये देख लें, ठीक है। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल 90 आता है, और x को 1 पुट करेंगे तो एंगल 270 डिग्री आता है। ये हमने थर्ड स्टेप में एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करनी है। अभी तक देखें हमने 3 स्टेप्स किए हैं, और किसी भी स्टेप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो या ये समझ ना आई हो कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4 इज सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स, ओके। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स मतलब एसिम्प्टोट्स हमने कहा 2 हैं, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हमने कैलकुलेट की, फिर हमने उन एसिम्प्टोट्स का एंगल फाइंड किया कि किस किस एंगल्स पे वो एसिम्प्टोट्स होंगी। अब हम कह रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स के उनके दरमियान वो किस जगह उनका सेंटर क्या होगा सेंट्रॉइड्स का, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा सी, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा सी से। फॉर्मूला है दिस इज सम ऑफ ऑल द रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ ऑल द रियल पार्ट ऑफ जीरोज। ऐसा भी तो हो सकता है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स जीरोज या कॉम्प्लेक्स पोल्स हो, अभी तो हमारे पास रियल है लेकिन हो तो सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला हमारे पास जेनेरिक यही है, सम ऑफ ऑल द रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ ऑल द रियल पार्ट ऑफ जीरोज डिवाइडेड बाय पोल्स माइनस जीरोज। ओके, आपको पता है एक पोल हमारे पास जीरो पे पड़ा है, एक पोल माइनस टू पे पड़ा है, और जीरोज हमारे पास से हैं ही नहीं, हमारे सिस्टम में ही नहीं गिवन थे। सो दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस टू माइनस जीरो ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स का जो सेंट्रॉइड आया है हमारे पास दैट इज एट माइनस वन। ओके, अभी जब हम प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस वन कहाँ काम आ रहा है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 5 एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। असल में ब्रेक अवे पॉइंट है क्या, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हमारे सिस्टम में एक पोल और एक जीरो है तो जब हम उनका रूट लोकस प्लॉट करेंगे तो हमारा पोल क्या है, हमेशा जीरो की तरफ जाके मूव करेगा और उसमें एम्बेड हो जाएगा, हमारा पोल जीरो की तरफ चला जाएगा, पोल हमेशा जीरो की तरफ मूव करेगा। लेकिन सपोज करें कि हमारे पास एक जीरो है और तीन पोल्स हैं, उन तीन पोल्स में से एक पोल तो जीरो के बिल्कुल करीब है और दो पोल्स दूर हैं उस जीरो से, तो जो पोल हमारा जीरो के करीब है वो तो उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा, बाकी के दो पोल्स आपस में हमेशा कोलाइड करेंगे और एक अपवर्ड चला जाएगा एक डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। हमारे पोल्स इस तरह से मूव करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली जिस पॉइंट पे दो पोल्स आके टकराते हैं और एक कहीं और चला जाता है कहीं और चला जाता है, दैट पॉइंट इज ब्रेक अवे पॉइंट। सो मैथमेटिकली हम उस ब्रेक अवे पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आपने याद रखनी है। सो 1 प्लस जी ऑफ एस हमारे पास गिवन है, ठीक है, यूनिटी, और एच ऑफ एस हमने 1 लिया क्योंकि उसने कहा था वी हैव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो फीडबैक में हमारे पास 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस के इंटू के ओवर एस इंटू एस प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस स्क्वेयर प्लस 2 एस प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। ये हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना चुके हैं। यहां से हम क्या करेंगे, हम k को एक साइड पर रखेंगे, बाकी वैल्यूज को एक साइड पर ले जाएंगे। वाई वी नीड k, बिकॉज हमें इसका नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव चाहिए डी के बाई डी एस, ओके। उससे हम अपना ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करेंगे। सो हमने डी के बाई डी एस फाइंड किया और उसको जीरो के इक्वल पुट किया तो आ गया माइनस टू एस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जिससे आया s इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। दिस इज आवर ब्रेक अवे पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। हमारा स्टेप 5 यही था ना कि हमें ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए हमने सिंपल 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने k को एक साइड पे रखा, उसका डेरिवेटिव लिया फर्स्ट, ठीक है, और जो भी s की वैल्यू आई वो हमारी ब्रेक अवे पॉइंट है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 6 क्या है, इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है।
जब हमारे जो एसिम्प्टोट्स हैं या पोल्स हैं जो एसिम्प्टोट्स पे मूव करेंगे, जो भी उनका लोकस पाथ या जो भी बनता है, तो उसमें वो कहता है इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस. हमारे पास क्या होता है, हमेशा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है ना, जहाँ पे हम जीरोस को और पोल्स को प्लॉट करते हैं, ये हमारा रियल एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है. सो क्या है इंटरसेक्शन, जो दिस इमेजिनरी एक्सिस की बात करें, उसके लिए हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, ये एक्सटिक, इसको एक्चुअली दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे. पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेट की थी वो यही थी, एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस के, ठीक है. यहाँ से क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, हम राउथ टेबल बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल. एस स्क्वेयर एस एस जीरो, एस स्क्वेयर का कॉफिशियंट वन, एक स्किप किया तो के, एस का कॉफिशियंट टू, नेक्स्ट स्किप किया तो जीरो, एंड दिस इज टू के माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू, और दिस इज इक्वल टू एक्चुअली के, ठीक है, ये के तक आ गया. अगर मैं कहती हूँ कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल है, उसके लिए हमारे इस फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव होना चाहिए, वन ऑलरेडी पॉजिटिव है, टू भी पॉजिटिव है, दिस के शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव और दिस के शुड ग्रेटर देन जीरो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम. सो हेयर फॉर स्टेबिलिटी वैल्यू ऑफ के, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अभी हमने देखा है ना, वन तो पॉजिटिव है, टू भी पॉजिटिव है, के को पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हमारा साइन चेंज ना हो, ताकि हमारा सिस्टम स्टेबल हो. तो के को क्या करेंगे हम, के को ग्रेटर देन जीरो करेंगे, सही है. सो इस तरह से हम के ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टेबल होने के लिए हमारे पास के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ओके, यहाँ से हम इस स्टेप में एक्चुअली फाइंड क्या कर रहे थे, इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस के एस की वो वैल्यूज जो कॉम्प्लेक्स आएंगी वो हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है यहाँ से. लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हमारा के ग्रेटर देन जीरो है और हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाता है अगर हम के ग्रेटर देन जीरो ले लें तो, ठीक है. अब हम जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये एक लाइन गलती से यहाँ आ गई है, ओके ओके दिस, ये हमारे पास क्या है, गलत एग्जाम्पल लिखी गई है, ये लाइन इस पेज की नहीं है, ठीक है. ओके, देयर इज नो इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है. अभी हमारा जो चैप्टर स्टेप सिक्स था उसमें हम इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस फाइंड कर रहे थे, और अब हम कह रहे हैं देयर इज नो इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस बिकॉज देयर इज नो केन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. क्योंकि हमने तो कहा हमारे पास के की वैल्यू आई ही ऐसी है, हमने कहा है इफ दैट के इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारा सिस्टम तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो रहा है, और लेस देन जीरो पर डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाएगा. लेकिन हमें अपना सिस्टम चूंकि स्टेबल करना है तो हम के को ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं. जब के को ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं तो वी डोंट हैव मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, एंड इफ वी डोंट हैव मार्जिनली स्टेबल सिस्टम देन देर इज नो इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस. ये बात आप याद रखिएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन कब आएगा, जब हमारे पास के की कोई वैल्यूज ऐसी हो जो सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल कर रही हो, ठीक है. अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम डिजाइन करेंगे रूट लोकस को, ओके स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स प्लॉट द रूट लोकस. ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने फाइनल स्केच किया हुआ है ना, मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, सिंपल, आपने पहले प्लॉट करना है दिस इमेजिनरी एक्सिस, कर लें प्लॉट. ओके ओके, दिस इज योर रियल एक्सिस. अभी तक आपने दो प्लॉट, दो लाइंस ड्रॉ किए हैं, एक आपका इमेजिनरी एक्सिस जी ओमेगा और एक आपका सिग्मा या रियल एक्सिस, दो एक्सिस आप प्लॉट कर चुके हैं. उसके बाद पहला स्टेप स्टूडेंट, आपके पास दो पोल्स हैं, एक जीरो पे पड़ा है ओरिजिन पे, क्रॉस के निशान से हम पोल शो करा देंगे, दूसरा पोल पड़ा है हमारा माइनस टू पे. सिंपल, हमने अभी तक क्या किया है, पहले एक्सिस ड्रॉ किए फिर दोनों पोल्स ड्रॉ कर दिए, जीरो कोई हमारे पास है ही नहीं. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें, अगर हम देखें आप चाहें स्टेप नंबर फाइव में, या मेरा ख्याल किसी हाँ स्टेप नंबर फाइव ही था जिसमें हमने ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड किया था, ठीक है, ऐसे ही ना ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड किया था. सो ठीक है,
तो ये एस ब्रेक अवे हमने माइनस वन फाइंड किया था, दिस इज जीरो, दिस इज यहाँ कहीं पे, ये दिस इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू, सो इस माइनस वन पे हमने क्या किया है, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट. ओके, स्टेप नंबर फोर, जहाँ पे हमने सेंट्रॉइड ऑफ ए सिम्प्टोट फाइंड किया था, उसकी वैल्यू भी हमारे पास माइनस वन थी, और उसको हम शो कराते हैं सिग्मा सी से. ठीक है, इस माइनस वन को हमने कहा दिस इज आवर सेंट्रॉइड ऑफ ए सिम्प्टोट्स सिग्मा सी. अब हमने कितनी चार चीजें प्लॉट की, सिंपल एक्सेस बनाया पहले, फिर इन दोनों पोल्स को प्लॉट किया, उसके बाद हमने कहा दिस इज योर सेंट्रॉइड ऑफ ए सिम्प्टोट सिग्मा सी माइनस वन, हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी मैथमेटिकली. ठीक है, और यहाँ पे हमारा एस क्या था, ब्रेक अवे पॉइंट माइनस वन. ठीक है, वो ब्रेक अवे पॉइंट भी वही बन गया है, बाय इत्तफाकन हम कह लें उसको. ठीक है, और ये हमारा सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट भी वही पॉइंट बन गया है. ओके, उसके बाद देखें, अभी मैंने चैप्टर स्टेप सिक्स में बताया था आपको कि जब भी, अब इस जगह पे हमारे पास कोई जीरो नहीं है, हमारे सिस्टम में टोटल पोल्स ही दो हैं. ठीक है, तो हमारे पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप कह लें ऐसे जैसे चार्जेस होते हैं, दोनों अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, सो अभी उसके, ओके हम उस तरफ नहीं जाते, अब हम प्लॉट करेंगे अपने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स. ठीक है, हमने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट किया था, एक एंगल था हमारे पास 90 डिग्री, एक एंगल था 270 डिग्री. अब आपने उन एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ कहाँ करना है, याद हो तो मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, उनके एंगल्स और फिर उनका सेंट्रॉइड, जो हमने सेंट्रॉइड फाइंड किया था सिग्मा सी माइनस वन, हमें वहां से ड्रॉ करना है एसिम्प्टोट्स के एंगल. ठीक है, तो यहां से एसिम्प्टोट का एंगल 90 डिग्री है, तो दिस वन, ठीक है, इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री एंगल, और ये डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, 270 डिग्री. तो हमने एंगल्स भी प्लॉट कर लिए एसिम्प्टोट्स के. ठीक है, एसिम्प्टोट्स का सेंटर था माइनस वन, उस पर हमने दो एंगल्स 90 डिग्री और 275 प्लॉट कर दिए हैं, जो कि हमने मैथमेटिकली थर्ड और फोर्थ स्टेप में शायद एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट किए थे. ठीक है, उसके बाद अब वो बात जो मैं चार्ज वाली बता रही थी, इस टाइम पे देखे जहां पे ये पोल्स, जब पोल हमारा माइनस टू पे है, इस टाइम पे गेन की वैल्यू जीरो है, ये पोल हमारा ओरिजिन पे पड़ा है, गेन की वैल्यू जीरो है. अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, उसकी पहली दो तीन चार लाइंस पे मैंने बताया था कि हम रूट लोकस में एक्चुअली देख क्या रहे होते हैं, कि हमारे गेन की वैल्यू चेंज होने से हमारे पोल्स की पोजिशन चेंज हो जाती है. ठीक है, सो आर क्लोज लूप पोल्स वेरी विद द चेंज इन गेन ऑफ द सिस्टम. सो अब दोनों पोल्स हमारे एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और ये कहां तक मूव करेंगे, दिस ब्रेक अवे पॉइंट. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ब्रेक अवे पॉइंट और हमारा सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट लाजमी नहीं एक ही हो, अलग अलग भी होते हैं, ये इस केस में ऐसे हो गया कि सेम बन गया. ठीक है, तो हमारे पोल्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और जब हमारे पास ब्रेक वे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे ये दोनों ब्रेक करेंगे, और एक ऊपर वाले एसिम्प्टोट की तरफ चला जाएगा और दूसरा नीचे वाली एसिम्प्टोट की तरफ. ये एरो शो करा रहा है कि ये पोल हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, ये एरो शो करवा रहा है कि ये पोल हमारा इस तरफ मूव कर रहा है. एक पोल हमारा अपवर्ड चला जाएगा इस एसिम्प्टोट पे, और दूसरा पोल हमारा डाउनवर्ड चला जाएगा इस एसिम्प्टोट पे. इस टाइम पे जब ये हमारे पोल्स इस एसिम्प्टोट और इस एसिम्प्टोट पे मूव करेंगे, एट दैट टाइम वी हैव के इन्फिनिटी. ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास गेन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, गेन के इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन पोल मूविंग टू इन्फिनिटी. चूंकि हमारा पोल इस एसिम्प्टोट और इस एसिम्प्टोट की तरफ मूव कर रहा है, दे आर गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, सो वी हैव इनफाइनाइट गेन हियर. ओके, सो जिस तरह से हमारा गेन चेंज हुआ, हमारे पोल्स की पोजिशन चेंज हो गई, दे मूव्ड, सो हमारा गेन भी चेंज हुआ, हमारे पोल्स भी मूव हुए. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रूट लोकस. हमने सबसे पहले क्या किया है, एक्सिस प्लॉट किए, फिर पोल्स को प्लॉट कर दिया, फिर हमने क्या किया, ब्रेक अवे पॉइंट प्लॉट किया. अब आपको समझ आ गई होगी ब्रेक अवे पॉइंट क्या था, जहां पे दो पोल्स आके आपस में टकराते हैं और अलग अलग रास्तों पे चल पड़ते हैं, दैट इज योर ब्रेक अवे पॉइंट. ठीक है, फिर हमें जब एसिम्प्टोट्स ये लाइंस ड्रॉ करनी थी, तो उनके लिए एंगल चाहिए था, वो हमने अपने फोर्थ और स्टेप में कैलकुलेट किए थे शायद. और हमने क्या करना था, सेंट्रॉइड चाहिए होता है कि उस किस पॉइंट पे जाके वो एंगल्स हमने ड्रॉ करने हैं. तो इस तरह से हमने ये रूट लोकस डिजाइन किया. ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल थी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.